हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लब। सो गाइस, एक्चुअली में आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो हमारी प्लेलिस्ट से हटकर है। हम लोग की दो प्लेलिस्ट चल रही हैं, एक में हम लोग साइटोलॉजी कर रहे हैं और एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये जो टॉपिक है दोनों प्लेलिस्ट से बिलोंग नहीं करता। एक्चुअली में मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने का, एंड दैट टॉपिक वाज द क्रेब साइकिल। उन्होंने क्रेब साइकिल पर वीडियो बनाने के लिए कहा है। सो आई थॉट कि सिर्फ क्रेब साइकिल पर ही वीडियो क्यों बनाया जाए, पूरा ही एरोबिक रेस्पिरेशन ले लिया जाए, क्योंकि क्रेब साइकिल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। उसमें सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल। सो पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक विच इज़ ग्लाइकोलिसिस। आज ये वीडियो है हमारा जिसमें हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, एंड इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट टू, जिसमें हम लोग पूरा क्रेब साइकिल कवर अप करेंगे। सो आई होप आप ये वीडियो पसंद करेंगे, एंड अगर वीडियो पसंद करते हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ही हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होगा उसे हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी छोटा हो या बड़ा हो, इस साइज में उसकी सेल छोटी हो या बड़ी हो, डजंट मैटर, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये सेलुलर रेस्पिरेशन या ये एरोबिक रेस्पिरेशन लगभग सेम प्रोसेस से ही होता है, लगभग सब में सेम प्रोसेस ही होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में दो पार्ट्स होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं एक्चुअली में। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस एंड दूसरा स्टेप होता है हमारा क्रेब साइकिल, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलिसिस को कवर करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप, जिसमें ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे अदर ऑर्गेनल्स हैं, तो ये प्रोसेस कहाँ होगी, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके रिजल्टेंट एक एसिड बनता है विच इज़ पाइरूविक एसिड। याद रखना है हमको, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसके रिजल्टेंट एक एसिड बनता है विच इज़ पाइरूविक एसिड। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन एटम का होता है, एंड एक पाइरूविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन एटम, क्लियर। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं एंड पाइरूविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। इस रिएक्शन के रिजल्टेंट हमें 4 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। उन 4 ATP के मॉलिक्यूल्स में ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो उन 4 ATP मॉलिक्यूल्स में हमको क्या होता है, दो जो ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो यूज़ हो जाते हैं फॉस्फोलाइजेशन प्रोसेस में, क्लियर। किस में हो जाते हैं, फॉस्फोलाइजेशन प्रोसेस में। जब दो वहाँ चले गए तो हमें मिले कितने, हमारे पास रहे कितने गए, दो। चार मिले, चार में से दो चले गए, बचे हमारे कितने, दो। तो हमारे रिजल्टेंट हमारे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब आगे साथ में वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी निकलते हैं जो कि रिलीज होकर किसके पास चले जाते हैं, NAD और NADP के पास चले जाते हैं, क्लियर। ये जो पूरी रिएक्शन होती है ना, ये एक चेन और एक सीक्वेंस में होती है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी हेल्प करते हैं, ठीक है। किसमें, चेन रिएक्शन होती है, एक के बाद एक पूरी चेन रिएक्शन होती है। ये ऐसा नहीं कि पहले कोई स्टेप हो गया फिर कोई स्टेप हो गया, प्रॉपर चेन रिएक्शन है, एंड यहाँ पर एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी हेल्प करते हैं इस रिएक्शन को कम्प्लीट करने में। सो कम्प्लीट रिएक्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, एंड ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, अदरवाइज़ फिर बाद में आप भूल जाएंगे, इन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो भी लेक्चर आप देख रहे हो, एक कॉपी और पेन के साथ पढ़ देखो उस लेक्चर को, एंड सारी चीज़ों को नोट भी करते जाओ, बिकॉज प्रॉपर नोट्स दिए गए हैं पॉइंट वाइज। तो सारी चीज़ों को नोट करते जाओ, एंड बाद में रिविजन करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो हमने क्या देखा था कि ग्लाइकोलिसिस का रिजल्टेंट हमें फाइनली रिजल्टेंट 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है। और साथ में रिएक्शन में हमने ये भी देखा कि 2 NAD जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उनका रिडक्शन होता है NADPH2 में, 2 NADPH2 में उनका रिडक्शन हो जाता है। अब
इस 2NADPH2O का ऑक्सीडेशन होता है जिसके रिजल्टेड ATP के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, NADPH2 का ऑक्सीडेशन होता है जिसके रिजल्टेड टू मॉलिक्यूल्स हमको ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो रिजल्टेंट हमको 8 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। 8 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे अगर ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाया जाएगा तब। सो फाइनली हमारा ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया है, तो उसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर आप चैनल में नए हैं या फिर चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करिएगा। सब्सक्राइबर्स बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।